वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु यह गांधी जी की कर्म भूमि और महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि चंपारण और उस चंपारण की गोद में बसा एक प्यारा सा खुशहाल गांव ओझा भरवा। हमारी इस कहानी में एक ही गांव के दो परिवार जिनके यहां शिक्षा भी दो तरह से अपना स्वरूप प्रदर्शित करती। आपको मालूम है कि पहले किसानों की स्थिति क्या थी और आज कितनी तरक्की हुई। एक परिवार जो आर्थिक खुशहाली के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाता है तो दूसरी तंग हाली में भी शिक्षा का दीपक जलाए रहे। अपनी मेहनत और लक्ष्य इंटरनेशनल के आईटीआई कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर न कि अपने परिवार को मजबूती देता है, वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया स्किल इंडिया को भी सम्मान देता है। परिवार से लेकर देश तक उदाहरण बनता है। आइए हम सभी संकल्प लें, स्वच्छ भारत, शिक्षित भारत, सुंदर भारत, सुखी भारत, विकसित भारत बनाएं और विश्व गुरु कहलाएं। बेटा जी, जरा जाओ मजदूर लोगन को बोल दो खेत में जल्दी आए। ठीक है बाबूजी, हम अभी बोल के आओ थे। क्या कर रहे हैं? सारा काम अपने ही कर लीजिएगा। अरे भाई, किसान हूँ, कोई नेता थोड़े हूँ, और अपना काम करने में बुराई क्या है? बस बस शुरू हो गया। आपको किसान नहीं नेता होना चाहिए था। अरे भाई, लेकिन तुम्हारे भाग्य में तो किसान ही लिखा हुआ, नेता नहीं। पी लीजिए चाय, ठंडी हो जाएगी। तुम्हारे हाथ की चाय ठंडी थोड़े हो सकती है? अरे भाग्यवान, तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सिर्फ हमको ही दे। मुझे पता है बहुत प्यार करते हैं। सारा काम खत्म कीजिए और खेत पे जाइए। रवि मजदूर खेत पे लेके आ गया होगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं चलता हूँ। अरे बोले, कहाँ हो जी? चाय लो।
देर हो रही है। अभी आई। तुम्हारा लाडला बेटा अभी तक सोया है, अरे जगाओ उसे, सुबह उठेगा पढ़ेगा लिखेगा। हमारा बेटा बहुत ही पढ़ता है जी, उसको सोने दीजिए। तुम नहीं सुधरोगी, तुम्हारा प्यार उसे बर्बाद कर देगा। बेटवा के बारे में भला बुरा मत कहिए, कह देती हूँ। तुम दोनों माँ बेटा एक दिन नाक पकड़ कर रोओगे। बाबूजी हम तनी टहल के आते हैं। आज बड़ा लेट हो गया। आज देर हो गया। यूट जी मालिक, आगे का शीशा भी साफ कर देना। ओ माई, बाबूजी कहाँ पर हैं? खेत पे गए हैं। बेटा भैया को छाटी लगा दे, तब खाना तैयार कर देती हूँ, बाबूजी को खेत पे दे। ठीक है माई। कहाँ हो जी? अरे काफी देर हो गया है। क्या कर रहे थे? कुछ दोस्त मिल गए थे, गपशप होने लगा। अच्छा ठीक है, हम स्नान करेंगे। सो जाइए। अरे बाथरूम बंद है। बबुआ जो अंदर है। हो गया 2 घंटे की छुट्टी। अरे आपके बाबू साहब जो अंदर है। वो कहा है आप बाहर स्नान कर लेते तो अच्छा होता। काहे नहीं करेंगे, आपका जो हुकुम है। हाँ जाइए। ए पूजा तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कुछ दिनों से सोच रही थी कि कुछ कहूँ। हाँ, बोलो ना। वो क्या है ना, एक्चुअली कहनी पाए। हाँ तो बोलोगे तभी तो हम जानेंगे। बाद में बताती हूँ। अरे तुम दोनों यहाँ? मैं तो पूजा करने आई थी, आप कैसे यहाँ? यार बस मुझे तो भगवान की याद आई, मैं आ गया मंदिर में। चलो ठीक है। ओके 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 ठीक है। ओके ठीक है। रवे, ओ रवे चलना है यार, काफी देर हो रही है। चमन बाबू ये आके बैठ जाइए, रवि तैयार हो रहा है। आवत है चाची। ओहो ला 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 ला। प्रणाम चाची जी। खुश रहो बिटवा। रवि बेटा देर मत कर, रमन बाबू यहाँ आयल है। और बेटा घर में सब ठीक है ना? हाँ चाची घर में तो सब ठीक है, अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। आप लोग जो लिखेंगे वही ना आएगा बेटा। चाची अगर हमारा कॉपी ढंग से चेक हो जाए ना तो इस बार टॉप हम ही करेंगे। चल भाई रमन, चल देर हो रहा है। अच्छा भाई हम चलते हैं बेटा, स्कूल जाना है। इस बार आप लोग का मनोकामना पूरा करें। ठीक है। मैं अरे हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ ना। अरे आओ यार। अरे तुम जाओ। अरे चलो अरे देखो तुम बहुत लफड़ा आदमी हो। तुम जाओ ना, जाओ ना। प्लीज 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 चलो जाओ। रवि तू रिजल्ट देख क्या, मैं पूजा के साथ बैठा हूँ। ठीक है। हे पूजा। ओ हाय रमन, तू रिजल्ट देखने नहीं गया? अरे कौन जाएगा उतनी भीड़ में अपने कपड़े खराब करने, भेजा मैंने रवि को। आओ ना बैठते हैं। तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ?
अरे मैं इस बार कॉलेज का टॉप हूँ टॉप। अच्छा, अच्छा मैं भी कोई कम थोड़े नहीं हूँ। मैं इस बार कोटा जाने वाला हूँ अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। बीटेक करूंगा बीटेक। बढ़िया है। हाँ? अच्छी बात। और तुम बताओ? कुछ नहीं, आज रिजल्ट देखने आई हूँ, देखती हूँ पास हुई हूँ या नहीं हुई। मैं तो यार इस बार का टॉप हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ बस, फ्यूचर प्लानिंग। अरे यार गोलू, मैं तो घुस भी नहीं पाता क्या बात, कितनी भीड़ है। और मेरा टॉप किया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी, भगवान का शुक्र है लाख लाख। और तुम्हारा क्या हुआ? अरे मेरा यार नेता डिवीजन है। ये नेता डिवीजन क्या होता है? और सुनो, और वो मेरा जो दोस्त है रमन, उसका क्या हुआ? कौन? वो फेंकू हुआ। वो भी पास है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। और तुम्हारा क्या हुआ? मेरा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ भाई, मेरा 80%। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और तुम्हारा? मेरा भी 75% है भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। और तुम्हारा? अरे भाई भाई पास हूँ। और तुम्हारा? मैं भी पास हूँ। बहुत बढ़िया, सबका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया इस बार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो चल के उसको बताते हैं। क्या बे, किधर रह गए थे तुम लोग? रिजल्ट देखने में इतना टाइम लगता है क्या? कम भीड़ थी क्या वहाँ पे? आदमी तो घुस भी नहीं पाया, मैं तो बस बाहर ही रह गया। और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं अपना रिजल्ट भी नहीं देख पाया। अच्छा हुआ ये गोलू मिल गया और ये रिजल्ट देख के आया है। 62% है तुम्हारा। और तेरा क्या हुआ? ये तो पास है, पूरे स्कूल में टॉप किया है टॉप। और तेरा क्या हुआ? मैं भी पास हूँ भाई, मैं भी पास हूँ, मैं भी पास हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा हो ही नहीं सकता है यार, मैं स्कूल का टॉप हूँ टॉप। मैं अपनी कॉपी दोबारा चेक कराऊंगा, देख तू कुछ भी हो जाने दे, मैं स्कूल का टॉप हूँ यार। तू कैसे समझ, ऐसा हो ही नहीं सकता है यार। नहीं मैं स्कूल का टॉप हूँ, मतलब टॉप हूँ। मैं अपनी कॉपी दोबारा चेक कराऊंगा, देख तू कुछ भी हो जाए, ऐसा तू छोटा यार क्या कर रहा है? देख तू, मैं दोबारा अपनी कॉपी चेक कराऊंगा। देख अभी मैं दोबारा अपनी कॉपी चेक कराता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल का टॉप हूँ टॉप, देख तू। लेट हो गया, पता नहीं अपना रवि कहाँ रह गया अभी तक, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसन कोनो बात ना आजी, हमार बेटवा बहुत होशियार है। अरे तुम नहीं समझोगी, रिजल्ट का बात है, रिजल्ट का। कहीं हमारे बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो बच्चे का दिमाग। सुब सुब बोलिए, नहीं तो चुप पे रहिए। का चुप रहे जी, का चुप रहे, हमारा दिल तो बैठा जा रहा है। बाबूजी प्रणाम। देखिए, खुश रहो, खुश रहो, आ गया आपका बेटा। क्या हुआ रवि, कुछ बोलोगे भी? बाबूजी आपका बेटा पूरे विद्यालय में टॉप किया है, टॉप। क्या टॉप? तो क्या चाचा जी, इस खुशी के मौके पे आप लोग रो रहे हैं? कुछ आंसू खुशी के भी होते हैं बेटा। मतलब मैं समझा नहीं चाचा जी। वक्त आने पे सब समझ जाओगे। सारा घर अंधेरा है, कोई एक बॉल भी नहीं जला सकता है, सब काम मुझे ही देखना होता है। क्या क्या करूं एक अकेला आदमी।
फोन लगाओ। जी आई। वो कहा है आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे बेटे का रिजल्ट आया है। हाँ पता है, 62% अंक लाया है आपका बेटा और आपका नाम रोशन कर दिया है। उसका नंबर तो कम आया है, वो चैलेंज करने के लिए कह रहा है। 8 बजे तक सोने वाले, 3 घंटे बाथरूम में रहने वाले, बच्चे चैलेंज नहीं करते, पढ़ने वाले करते हैं, मौज करने वाले नहीं। चलो जाओ यहाँ से, भर दिन काम किए हैं, खाने दो। ये सब तुम्हारे प्यार और दुलार का नतीजा है, तुमने उसे बर्बाद कर दिया है। प्रणाम जय बाबू। प्रणाम। आइए आइए बैठिए। रवि जी। बाबूजी। अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, चाचा लोग आए हैं, प्रणाम करो। खुश रहो बेटा, तुमने तो गांव का नाम रोशन कर दिया है। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। खाली प्रणाम से काम नहीं चलेगा, जाओ गुड़ पानी लेके आओ। जी बाबूजी। जी विनय बाबू, आपके बेटा का नाम अखबार में निकला है, उसको मैंने देखा है फिर आपके पास आया हूँ। छपा है अखबार में, खुशी की बात है, गांव का नाम रोशन करेगा, आप ही लोग का लड़का है। रवि लाए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए बाबूजी। हाँ हाँ एकदम लेंगे बेटा, आप बढ़िया है, भगवान का आशीर्वाद है, आप लोग का दुआ है, देखते हैं तरक्की करेगा बेटा हमारा। जाओ अंदर। ठीक है बाबू। प्रणाम 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 प्रणाम। कौन है? आंटी हम लोग हैं। नमस्ते आंटी। आप लोग आइए बैठिए। रमन कहाँ है? अरे वो 2 दिन से रूम में पड़ा हुआ है, नहीं कुछ खा रहा है नहीं कुछ। ठीक है मैं देखता हूँ। आप लोग बैठिए। ठीक है आंटी। यार तुम तो बच्चों वाला हाल कर दिया, तुम तो हद ही कर दिया। चलो देखो सब दोस्त मिलना है, बैठो यार। लो बेटा पानी पियो। थैंक यू आंटी। आंटी रमन कम नंबर लेके टेंशन में है। देखो हम सभी दोस्त हैं, तुम अपना प्लान बताओ, क्योंकि हम सभी दोस्त कोटा जा रहे हैं। बेटा रमन भी कोटा जाएगा, उसके पापा हमारे बात थोड़े नहीं काट देंगे। चलो आंटी तो तैयार है। अरे यार टेंशन छोड़ो, ये बताओ तुम पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी का क्या है, आज शाम को ही पार्टी कर लो। आइए आइए कैसे हैं? ठीक है ठीक है। बैठिए। और सब क्या? सोचा बच्चों को शुभकामनाएं दे दूं और मिठाइयां भी खिला दूं। वैसे रमन कहाँ है? अभी अभी तो दोस्तों के साथ निकला है। अच्छा सुने हैं। अरे सुनते हैं, चाय वाय भेजिए। अरे नहीं नहीं रहने दीजिए। सुने हैं विनय बाबू का लड़का स्कूल में टॉप किया है, पूजा भी बता रही थी और पेपर में भी निकला था। बहुत मेहनती लड़का है, एक दिन विनय बाबू का नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए ना विनय बाबू को भी बधाइयां देते हैं। हाँ नहीं बस 4 कदम तो हैं। हाँ चलिए बाबूजी तनी हम आते। प्रणाम। खुश रहिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे आइए 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 बैठिए। बड़े लोग बड़े भागे से दरवाजे पे आते हैं। अरे काहे ऐसा बोलते हैं, हम लोग तो आपके मित्र हैं, चिरंजीवी हो आगे बढ़ो। तुम्हारा ही नाम रवि है बेटा, इसी तरह अपने पिता का नाम रोशन करिए। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, खाना वाना खा पी के जाना है। ना 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 ना, अरे आप तो हमारी व्यस्तता समझते हैं, शहर भी जाना है। चलिए इजाजत दीजिए। प्रणाम प्रणाम।
पूजा, हेलो, ओ हाय, कैसी हो? हाँ, उसी के बारे में सोच रही थी। क्या? नहीं तो, मैं रमन से प्यार थोड़ी ना करती हूँ। रमन तो मेरा दोस्त है। मैं तो रवि से प्यार करती हूँ। मैं सोचती हूँ उसको कब बताऊँ। ठीक है, कोशिश करूंगी कि उसको मैं जल्दी से अपने प्यार का इजहार कर दूँ। ओके, बाय। प्यार में तो हुसनैना ना लड़ी जान, तुम जिंदगानी हो। प्यार में तो हुसनैना ना लड़ी जान, तुम जिंदगानी हो। अब तो दुनिया भी कहने लगी प्यार की कहने लगी प्यार की ये कहानी हो। प्यार में तो हुसनैना ना लड़ी जान, तुम जिंदगानी हो। प्यार में तो हुसनैना ना लड़ी जान, तुम जिंदगानी हो। अब तो दुनिया भी कहने लगी प्यार की ये कहानी हो। अब तो दुनिया भी कहने लगी प्यार की ये कहानी हो। जैसे सागर का पानी हो। अब तो दुनिया भी कहने लगी प्यार की ये कहानी हो। तुम्हारी सूरत बसी है, ओठवा पे तो हुसे ही आई हंसी है। ओ मनवा में तुम्हारी सूरत बसी है, ओठवा पे तो हुसे ही आई हंसी है। ऐसी लागी है दिल में लगन जैसे मीरा दीवानी हो। अब तो दुनिया भी कहने लगी प्यार की ये कहानी हो।
कुछ खा लो, कहो तो नाश्ता लगाऊं। नहीं माँ, अभी नहीं, अभी तुम हमारी बात सुनो। पिताजी को ढंग से समझाओ हमारे कोटा जाने के मामले में। मुझे किसी तरह का किंतु परंतु नहीं चाहिए। मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मैं तेरा सब काम कर दूंगी। अभी तेरी माँ जिंदा है, कोटा क्या, तुझे अमेरिका भिजवा दे। देखो सब कागज लाए हैं विद्यालय से। ओ मेरे लाल, मैं तेरा सब काम कर दूंगी। पापा कैसे समझाओगी माँ? तू छोड़ ना, मैं उन्हें देख लूंगी। देख चाचा जी से बोल, नामांकन जल्दी से करा लिया, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा यार। देख गोलू, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे बाबूजी बहुत परेशान हैं और गन्ना मिल ने पिछला पुराना पैसा भी नहीं दिया है, और मैं किसान का बेटा हूँ, और तुम्हें तो मालूम ही है किसानों की क्या हालत है। नामांकन नहीं हुआ तो क्या होगा? जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऊपर वाले के भरोसे। चल मेरा भी ऊपर वाले के ही भरोसे है। चल। क्या पढ़ रहा है जी? अरे वही बैंक का कुछ कागज देख रहे थे। से कुछ कहना था। हाँ कोटा के विषय में ना? हाँ। तो भेजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, पैसा नहीं पड़ता है, लड़का पड़ता है, और आपका लड़का पढ़ने वाला नहीं है। हमेशा उल्टा क्यों सोचते हैं? अरे आप आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? सोचे आपसे मिल ले। हाँ बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। हाँ बिल्कुल, हम तो रमन को कोटा भेज रहे हैं, कोटा, बड़ा आदमी जो बनाना है। देखिए क्या होता है, भगवान की दुआ से कुछ अच्छा हो जाए, एडमिशन मिल जाए रवि को। अच्छा हम चलते हैं, उनको ऑफिस से आने का टाइम हो गया है। सरस्वती। अरे गोलू आओ बैठो, कैसे हो? सिलेक्शन लिस्ट में तुम्हारा नाम निकल चुका है, नामांकन करा लो। और तुम्हारा? अब नेता डिवीजन का सिलेक्शन होता है क्या? अरे कमाल करते हो। रवि बेटा, नामांकन में कितना समय है? अभी एक महीना टाइम है। हाँ एक महीने में मेरा गन्ना बिक जाएगा, फिर कोई परेशानी नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसको टाइम मिला। चलो चलो ठीक है। और गोलू और बता, सब बढ़िया? रवि जी। बाबूजी आया। ये लो, दिन भर सिंगार पटार में लगी रहती है। ये लो पैसे। जी बाबू। दोनों जगह अप्लाई करा देना, बोला नहीं समझे? ये लो ये भी। हाँ बैठो बैठो बैठो, पैसा दे दिया हूँ, दोनों जगह अप्लाई करा देना। जी जी। शहर जाना है? जी जी। बगैर खाना खाए नहीं जाना है। भाग्यवान जाओ, बच्चों को ले जाओ, खाना खिलाओ।
नमस्ते सर। खुश रहो। सर वो मैंने अपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था सर, क्या हुआ मेरा? रवि कुमार ना, बात ऐसा है कि जो कॉलेज में समय दिया गया था पैसा जमा करने के लिए, उस समय पे तुम्हारा पैसा जमा हुआ नहीं। जी एप्लीकेशन कुछ ज्यादा पड़ गया था जिसके चलते तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब तुम्हारा कुछ भी होने वाला होगा जो अगले साल में होगा। थैंक यू सर। क्या हुआ रवि, नामांकन हो गया? नाम आई का है, कॉलेज इस बार नामांकन के लिए बच्चों को कुछ कम समय दिया था। तू तो कह रहा था कि एक महीना तक का टाइम है। अब नियम बदल गया है माई। क्या होगा? कुछ नहीं चाची, सीट भर गया है, नामांकन भी बंद हो गया है। कोई बात नहीं, जहाँ से इंसान का काम खत्म होता है वहाँ से भगवान का काम शुरू होता है। तुम लोग हाथ मुंह धो लो और चलो हम खाना लगा देते हैं। ठीक है, चलो। बिल्कुल सुनते हैं, कहिए। रमन का फोन आया था। क्या बोला? कह रहा था एडमिशन हो गया है, हॉस्टल में जगह मिल गया है, कुछ पैसा भेजने के लिए कह रहा था। डाल देंगे, लेकिन उसे कहिएगा पैसे हिसाब से खर्च करे, ठीक है? ठीक है। तुम तो उस दिन मंदिर में मिली थी, वहाँ भी कुछ कहना चाह रही थी, फिर आपने बोला नहीं। रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो रमन? रमन? रमन तो मेरा दोस्त है। देखो पूजा, आप कहाँ, एक अधिकारी की बेटी, मेरे पापा किसान, वो तो गरीब परिवार, और तुम्हारा और हमारा मेल कैसे हो सकता है आप इतने ऊंचे परिवार से? प्यार में ना जात ना पात ना ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता रवि, वो तो दिल से प्यार होता है रवि। पूजा, मैं तुम्हारे बाबूजी से कैसे बात कर सकता हूँ? वो मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने बाबूजी को मना लूंगी। ओए रवि, अरे बोलू। देखो ये सब अच्छी बात नहीं है, खेत है सबका, सबको पटवन के लिए रास्ता दो, किसानी के लिए रास्ता दो, ट्रैक्टर के लिए रास्ता दो, फसल भी कैसे हो, ये भी सस्ता पड़ रहा है, डालो अच्छी खेती हो। सोचने वाली ये बात है। ए रवि, मुखिया जी कुछ सोचिए। प्रणाम चाचा जी। मुखिया जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। सुने हैं तुम पूरे विद्यालय भर में टॉप किए हो। मुखिया जी आगे क्या कर रहे, कहीं रहना है? मुखिया जी अभी तो हम घर पे ही बैठे हैं, क्योंकि हमारे बाबूजी का हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, इसलिए हमारा कहीं एडमिशन अभी नहीं हो पाया है। एडमिशन नहीं हो पाया है तो एडमिशन कराओ। अच्छा ITI खुला है बेतिया में, हमारे संपर्क वाले हैं, वहाँ पे हम फोन कर दे रहे हैं। जाओ मैट्रिक के आगे की पढ़ाई करो, ITI गाँव का पूरा नाम रोशन करो, तुम पे नाज ना है। मुखिया जी एक समस्या है, मेरा रिजल्ट आए कम से कम 3 महीना हो चुका है, तब से मैं घर पे ही बैठा हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ। लेट की कोई बात नहीं है, हम जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे तुम जाओ आराम से, वहाँ पे हमारा नाम रखना। जी जी। वो जहाँ तक हो सकेगा भरसक तुम्हारी मदद भी करेंगे। जी जी। और ITI में तुम अपना नाम लिखवा लो, क्योंकि तुम जैसे युवाओं की जो है जरूरत है आज के समय में। ITI करने के बाद ISC का मान्यता भी मिल जा रहा है, डिग्री भी टेक्निकल हो जा रही है,
और नौकरी भी निश्चित तौर पे लग जाएगी। जी मुखिया जी, समझ रहे हो ना जी, जी क्या कह रहे हैं, लेट नहीं करो। सब लोग को प्रणाम। प्रणाम मुखिया जी। खुश रहो, खुश रहो। बड़ा लगनशील लड़का है ये विनय बाबू का। हाँ हाँ, हम हूँ तो उन्हें कह रहे थे। बेटा, इनकी संस्था है आईटीआई कॉलेज, और उस आईटीआई कॉलेज में बहुत से लड़के पढ़ते हैं, और मैं इनके इस संस्था से जो इसके डायरेक्टर हैं उनसे मैं बात कर चुका हूँ। मैं तुम्हारा नाम लिखवाऊंगा, सुनो, इनके यहाँ आईटीआई कॉलेज में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, स्किल इंडिया, अपना रिंच, अपना हथौड़ा, अपनी शक्ति, अपनी मेहनत, अपने परिवार का विकास, अपने प्रदेश का विकास, अपने देश का विकास, और आदमी चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है। मैं करवाऊंगा तुम्हारा नामांकन आईटीआई कॉलेज में, लक्ष्य इंटरनेशनल के आईटीआई कॉलेज में, समझा? चल। यस, प्लीज कम इन। एडमिशन काउंसलिंग के लिए जो बच्चे आने वाले थे वो आ गए हैं क्या? जी सर, सब लोग आ चुके हैं। बुलाइए, भेजिए। मे आई कम इन सर? यस प्लीज कम इन। नमस्ते सर। खुश रहिए। नमस्ते सर। खुश रहिए। आप लोग इसी बार मैट्रिकुलेशन पास किए हैं क्या? जी जी जी। आप मैट्रिकुलेशन कहाँ से किए हैं? अच्छा, आप कहाँ से किए हैं? लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल से। आईटीआई के बारे में पहले से कुछ जानते हैं? नहीं सर। अच्छा, नहीं जानते हैं। आईटीआई जो है ना, जब आप मैट्रिकुलेशन पास कर लेते हैं उसके बाद आईटीआई कर लेते हैं तो आपको आईटीआई के साथ साथ प्लस टू साइंस की भी डिग्री मिल जाएगी, ठीक है ना? रवि आप ही हैं? जी सर, मैं उज्जैन का रहने वाला हूं। अच्छा रवि, आप यहाँ आकर के बैठ जाइए। जी सर। सर, मेरे बाबूजी और मुखिया जी से आपकी बात हुई थी सर। हाँ, तो मुखिया जी से बात फोन पर बातचीत हुई थी, और आपके पिताजी ने भी फोन किया था। आपका तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आया भाई, आप तो अपने स्कूल में टॉप किए हैं ना? जी सर। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, ऑप्शन लीजिए, आपको किसी भी ढंग की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होगी जी, तो डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं। आप तो अपने घर के हैं, आप हमारे मित्र के बेटे हैं, कोई भी परेशानी हो डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। जी सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठिए। कैसे हैं आप लोग? इस बैच के सारे बच्चे लोग आ गए हैं। आईटीआई में आप लोग का आज पहला दिन है, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आईटीआई आज के आधुनिक युग में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आ रहे हैं लक्ष्य आईटीआई के डायरेक्टर सर। आइए सर। गुड मॉर्निंग, जी बैठिए। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों की पहली क्लास है। आज हम लोग आईटीआई के बारे में जानेंगे। आईटीआई क्या है, आईटीआई क्यों करना चाहिए, आईटीआई करने के बाद क्या हो सकता है, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, देखिए आईटीआई क्या है, आईटीआई क्या है, आईटीआई क्यों करना चाहिए, आईटीआई कैसे करना चाहिए, और आईटीआई करने के बाद क्या हो सकता है। आप जो एजुकेशन ले रहे हैं ना, एजुकेशन लेने के बाद आप बैठे ना रहे, आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आपको नौकरी भी मिलनी चाहिए। आईटीआई जो कोर्स है ना, वह जनरल एजुकेशन नहीं है। जनरल एजुकेशन का मतलब होता है परंपरागत पढ़ाई। आपके दादाजी जो पढ़े हैं, आपके पिताजी जो पढ़ाई किए हैं, और आप जो पढ़ रहे हैं, दो जोड़ दो चार होता है। आपके दादाजी के समय में भी वही होता था, आपके पिताजी के समय में भी वही होता था, और आप भी वही पढ़ रहे हैं, आपकी आने वाली संतति भी वही पढ़ेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं किया जा सकता है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा एक्स, और एक्स का बेटा वाई, इसमें वही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं किया जा सकता है। आईटीआई जो एजुकेशन सिस्टम है,
उसमें आपको पढ़ करके नहीं करके दिखाया जाता है। जो पढ़ करके बताया जाता है उसे थ्योरी बोलते हैं। थ्योरिटिकली जो हम बोल करके आपको बताते हैं समझाते हैं, जैसे एक मोटरसाइकिल के दो चक्के होते हैं, ऐसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, सेल्फ से या किक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बता दिया जाए तो भी आप मोटरसाइकिल को नहीं चला सकते हैं। सेल्फ किसको बोलते हैं, किक किसको बोलते हैं, कहां पर ब्रेक लगाना है, कैसे तेल डालना है, जब तक ये बात आपको न बताया जाए। तो यही मोटरसाइकिल का जो एग्जांपल है, यही आपका टूल्स है, इक्विपमेंट है, मशीन है। आप मशीन पर जो काम करते हैं उसे ही प्रैक्टिकल बोलते हैं। और ITI का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरी बेस्ड नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। और आज के समय में जो प्रैक्टिकल में निपुण होता है उसके पास नौकरी की कोई कमी नहीं होती है। ITI के कोर्स जो होता है उसे ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका मतलब है इंडस्ट्री में काम करने वाले जो कामगार होते हैं उनके अंदर जो विधा होनी चाहिए, जो स्किल होनी चाहिए जिससे इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है, वही चीज इस संस्थान में भी सिखाया जाता है, जिसको हम लोग ITI इंस्टीट्यूट बोलते हैं। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? खुश रहिए। हाँ ठीक है, क्लास के लिए। क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है? यहाँ पर इतनी कुर्सी टेबल कौन लगी हुई है इतनी सारी? थोड़ा सा आपस में हम लोग मीटिंग कर रहे थे सर। अच्छा, मैंने डिस्टर्ब नहीं, नहीं सर, थोड़ा सा आपस में मीटिंग कर रहे थे। अच्छा जी सर। आज ओरिएंटेशन के लिए जो बच्चे आने वाले थे वो आ गए? सारे बच्चे आ गए हैं सर। जी सर। सीनियर बच्चों का जो प्रैक्टिकल था वो स्टार्ट करवा दिया आपने? थोड़ा चलिए तो थोड़ा दिखाइए। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? प्लीज सिट डाउन। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है? अभी जो है गवर्नमेंट ने ITI के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ बदलाव किया है। पहला बदलाव अटेंडेंस सिस्टम में हुआ है। इसके पहले जो आप लोग अटेंडेंस बनाते थे, आपके टीचर आपका रोल नंबर या नाम पुकारा करते थे और आप उसमें यस सर, प्रेजेंट सर बोल करके अपना अटेंडेंस पूरा करा लेते थे। लेकिन अब जो अटेंडेंस बनेगी आप लोगों की, वो एक मशीन के द्वारा बनेगी। मशीन को अंगूठे से दबाना है, अंगूठे का इंप्रेशन उसमें होगा। ये अंगूठे का निशान सिर्फ आपका होगा, तभी बनेगा, क्योंकि वो निशान आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ निशान जो है जब तक नहीं पड़ेगा तब तक अटेंडेंस आपका नहीं बनेगा। सबसे पहला बदलाव तो ये हुआ है। इसके पहले जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देते थे वो मैनुअली एग्जाम देते थे, यानी कि कलम और कॉपी के सहायता से आप प्रश्न का आंसर दिया करते थे। लेकिन अब ये ऑनलाइन एग्जाम हो गया है। ऑनलाइन का मतलब होता है कंप्यूटर के माध्यम से टाइम फ्रेम में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा और आप उसका आंसर देंगे। एक सब्जेक्ट है आपका जो ऑनलाइन नहीं होगा, इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं, इन शॉर्ट ED बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग में क्या होता है, आप ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग भी बनाते हैं, जैसे किसी आदमी का फोटो बना रहे हैं, किसी प्लायर का फोटो बना रहे हैं, किसी रिंच का फोटो बना रहे हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे होता है। जैसे आपके ऊपर देखिए ट्रस बना हुआ है, आप जो देख रहे हैं ना ये ट्रस बना हुआ है, इस दोनों के बीच की दूरी 50 फीट से है, सिर्फ दो पिलर लगा हुआ है। लेकिन ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही कमाल है कि टोटल लोड ये दो पिलर पर डाला गया है। रवि यस सर, अभी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया सर। ठीक ठाक ना? जी सर। सभी सिलेबस के हिसाब से तुम्हारा कंप्लीशन चल रहा था? जी सर। ड्राइंग वगैरह का क्या पोजीशन है? बहुत बढ़िया सर। ठीक है ना? प्रैक्टिकल वो भी सर। ओके ठीक है, अभी फिर मिलते हैं हम लोग। ओके सर, बाय। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम आप लोगों को बताएंगे स्किल इंडिया के बारे में। क्या चीज? स्किल इंडिया। ये स्किल इंडिया प्रधानमंत्री, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं कौन है?
जिनके हाथों में रोजगार नहीं है उन लोग के लिए एक सॉल्ट डिप्रेशन का ट्रेनिंग कराया जाता है। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो या फिटर हो या डीजल मैकेनिक हो या ऑटोमेटिव हो कंप्यूटर हो, जैसे 645 कोर्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, उस कोर्स के अंतर्गत आप कोई भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग का मैं दो वर्ड में डिफिनेशन बताऊंगा बस। जो भी आप काम करते हैं उस काम में आप लोगों को कुशल होना चाहिए, यही हमारे स्किल इंडिया और मोदी जी का उद्देश्य है कि आप कहीं भी रहें कोई भी काम करके आप अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे देश में सारे लोग काम तो करते हैं लेकिन किसी भी आदमी को जो एक सिस्टम है उस सिस्टम के अंतर्गत कोई भी आदमी काम नहीं करता है। आप लोगों को जान के बहुत ही दुख होगा कि हमारे यहाँ टोटल स्किल्ड पर्सन जो है वो केवल 4% है, जबकि वही इस वर्ल्ड में कनाडा ऐसी कंट्री है जहाँ पर स्किल्स में 96% है, वहाँ के लोग 96% कुशल हैं। तो एक सोचिए कि हमारा देश तरक्की करेगा कि कनाडा करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बोलते हैं कि हमको ढंग है, आप कहते हैं आपके ढंग है, लेकिन आपके ढंग को इस बाहर इंडिया से जब बाहर जाएंगे तो उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि जो आउट ऑफ इंडिया जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हमारे देश में भी कंटिन्यू किया जाता है। इसीलिए कोई भी आप काम कीजिएगा तो जो गवर्नमेंट का करिकुलम होता है, जैसे सपोज दैट एक ITI का आपका करिकुलम है, एक कोर्स है जो 2 साल में आप लोगों को पूरा किया जाता है, सिमिलरली स्किल इंडिया में भी यही चीज है कि आप लोग को जो ट्रेनिंग कराई जाती है उसके कुछ सिलेबस होते हैं, कुछ टाइमिंग दिया जाता है, उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत आप उस कोर्स को करेंगे। उस कोर्स को करने का एक ही एम है और गवर्नमेंट का विजन है कि आप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा काम कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इलेक्ट्रिशियन बनिए, फिटर बनिए या डीजल मैकेनिक बनिए या कंप्यूटर ऑपरेटर बनिए। हमारा ये कहना है कि आप जिस सेक्टर में भी इंटरेस्टेड हैं, जिस सेक्टर में भी इंटरेस्टेड है, आपका ध्यान जिस काम में भी लगता है, उस काम के अंतर्गत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उस ट्रेनिंग को और सर्टिफिकेशन को कर लीजिएगा। बेनिफिट ये होगा कि उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाकर जॉब कर सकते हैं। यदि वो सर्टिफिकेट रहता है तो आपको समाज के दूसरे लोगों से क्या करेगा, अलग करेगा। जैसे आप ITI कर रहे हैं, इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली हैं कि समाज के दूसरे पर्सन से क्या है, अलग है। आपके पास सर्टिफिकेट है, आप लोग कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं। सिमिलरली ये स्किल इंडिया के तहत जो मोदी जी ने प्रोजेक्ट चलाया है, इसके अंतर्गत आप लोगों को ये ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट हासिल करके और इंडस्ट्रीज में आप लोगों को जाके जॉब करना है, क्योंकि हर आदमी का उद्देश्य यही है, हम लोग को ओवरऑल जॉब प्राप्त करना। और जब तक आप लोग को अनुभव नहीं होगा कि काम कैसे करना है, मैंने पहले भी क्लास में आप लोग का लेक्चर लिया हुआ है, मैंने जैसे एक क्वेश्चन पूछा था आप लोग को एरोप्लेन क्या होता है, मैंने ये नहीं कहा था कि आप इसका आंसर जो है इंग्लिश में दीजिए, उर्दू में दीजिए या किसी भी लैंग्वेज में दीजिए। हमको भी नहीं पता है एरोप्लेन कैसे उड़ता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का सिर्फ इतना मतलब था कि आप लोग को उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है। यदि आपके पास नॉलेज है तो चाहे कोई भी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में उस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो बाकी इसका टॉपिक बच रहा है तो हम इस क्लास को, नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स। आ जाइए सर, दरवाजा खुला है। क्या हो रहा है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे चल रहा है? अच्छा, और क्या हो रहा है? अरे ये पेट टूट अपना भीतर करो, और इतने सारे लोग एक साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? सर वो एग्जाम है तो ग्रुप डिस्कशन के लिए। तुम तो उस रूम में रहते हो, और ये गंजी उंजी पहन के क्या कर रहे हो? चलिए ठीक है, कल हम लोग क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।
कोई रवि कुमार नाम से मिलने आया है। रवि कुमार भेजिए। मे आई कम इन सर? यस प्लीज कम इन। नमस्ते सर। खुश रहिए। क्या हाल है रवि? कैसे हैं? बढ़िया सर। ठीक है बैठिए। थैंक यू सर। कोर्सेस तो आपकी पूरी हो चुकी है। जी सर। हाँ सर्टिफिकेट भी आपकी आ गई है। जी। रिजल्ट भी बेहतर रहा। हीरो मोटर्स कंपनी के कैंपस इंटरव्यू में जितने बच्चे बैठे थे उनमें परफॉर्मेंस आपका सबसे अच्छा था। कंपनी ने फाइनली आपको सेलेक्ट कर लिया है। ऑफर लेटर जाकर के आप कॉलेज के काउंटर से कलेक्ट कर लें और अपने माता पिता को भी बता दें। आप अपने गांव का अपने समाज का नाम रोशन कीजिए और आपके जैसे बच्चों से इस संस्थान का भी नाम रोशन हो। धन्यवाद। खुश रहिए। खुश रहिए। बाबूजी प्रणाम। अरे जीते रहो बेटा जीते रहो। बाबूजी तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई। नौकरी? अरे मालूम है बेटा, तुम्हारे बताने से पहले मुझे मालूम है। मुझे फोन आ गया था, तुम्हें अच्छी नौकरी हो गई, अच्छी सैलरी हो गई और तुम्हारा बाप खुश हो गया। अपनी मम्मी से बाबूजी माई को भी बता दीजिए। देखो तुम्हारी मेहनत आखिर सफल हुई ना, कामयाबी मिली ना। मैं कहता था ना कि जो पत्थर छेनी की मार सहता है वही मूर्ति बनता है। बेटा जियो। कब आ रहे हो? ज्वाइनिंग होने के बाद मैं आता हूँ आप लोगों के पास। ठीक है बेटा। तुम्हारे बाबू का फोन था बेटा का। क्या कह रहा था? नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी हो गई, अब सूती साड़ी मत पहनना। कहाँ थे? आओ इधर बताते हैं, बैठो। बाजार में मुखिया जी मिले थे, बेटवा की शादी के लिए बोल रहे थे। कल वो लोग आ भी रहे हैं। दहेज लेना है कि नहीं, क्या इरादा है? हम लोग को दहेज नहीं चाहिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हमें भी दहेज नहीं चाहिए, पैसे वैसे नहीं चाहिए। हमें तो इस घर में बेटी जैसी बहू चाहिए। अब इंतजाम बात में लग जाओ, अब समधीनी बन गई, समझी? चलो।
मुझे अपनी सुनाओ, दिल क्या बोले तुझे कैसे बताऊं, हाल मैं क्या तुझे अपनी सुनाऊं, दिल क्या बोले तुझे कैसे बताऊं, काटे कटती नहीं है मेरी रात, कोई क्या देखो बात, या कोई यही रोग लगा, आज बस नहीं है मोरा जिया, बोले पिया पिया अबे, हेलो रमान। अरे तू कब आया? अभी आया। अरे कहाँ खो गया था यार? अच्छा, यहाँ के ख्यालों में खोया था। तू कब आया? चल और बता, कल इंटरव्यू देने गया था, क्या हुआ तुम्हारा? नहीं हो पा रहा, बहुत ट्राई किया, बहुत इंटरव्यू दिए, पर कहीं सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ यार। पिताजी ने इतने पैसे लगाए और माँ ने इतना सपोर्ट किया, लेकिन कहीं हो ही नहीं पा रहा हूँ यार। चल भाई, मन छोटा ना कर, ठीक है? मैं तेरे लिए कल एक जगह बात किया है, तू मेरे साथ चल, कल मैं तेरे लिए वहाँ बात करता हूँ, मन उदास मत कर, ठीक है? चल चल। सर, ये मेरा दोस्त है, इसी के जॉब के लिए कल मैंने आपसे बात किया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट दिखाओ। अभी तो कोई सीट नहीं है, तुम्हें आईटीआई करना चाहिए था, आईटी में ज्यादा स्कोप है। चलो देखते हैं, जैसे होगा वैसे तुम्हें बताएं। ओके सर। ठीक है, जाओ। ये भी जॉब नहीं हो पाया। कोई बात नहीं यार, मन छोटा मत कर। आप तो कभी हमसे प्यार से बात करते ही नहीं है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कीजिए। आपका लाडला बेटा कहाँ है? सुबह से नहीं दिख रहा है। वो तो शहर गया है, बहाली निकला है ना? वो जन्म भर फॉर्म डालेगा, उसकी नौकरी कभी नहीं होगी। हाय राम, कहाँ ऐसा बोलते हैं? आत्मा उसके बाप है, कोई दुश्मन नहीं है। अभी भी उससे बोल दीजिए कोई धंधा कर ले, 2 रुपया कमाएगा। नौकरी फॉर्म भरने से नहीं मिलती है, मेहनत करने से मिलती है। मेहनत दिन रात तो मेहनत ही करता है। अरे अभी भी तो उसे बकस दे, तुम्हारे प्यार और दुलार ने उसकी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, बाकी भी करेंगे क्या?
अरे अरे प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हमारी ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाती तो बहुत अच्छा होता। इतने बड़े आदमी आए हैं हमारे घर पे और हमारी हिम्मत है कि हम बात नहीं मानेंगे। और वैसे भी आप हमारे मित्र हैं और हमें तो दान दहेज भी नहीं लेना है, हमें तो अपने घर के लिए बेटी जैसी बहू चाहिए। और आपकी बेटी से अच्छी और कौन सी बेटी हो सकती है? अरे पंडित जी, अब अपना पोथी पतरा देखा जाए, बताया जाए डेट कि छपाया जाए न्योता। लीजिए, आप भी लीजिए। अरे धन्यवाद। अरे आप भी लीजिए। अरे आप भी लीजिए, कहे आप लोग शर्मा रहे हैं। आप नहीं पीजिएगा? अरे हम नहीं पीते हैं, आप लोग पीजिए। अरे रवि तू। अरे रमन कैसे हो? और भाई तू तो पूरा बदल गया है यार। हाँ यार, बस ऊपर वाले की दुआ है, सब ठीक ठाक। सही बोल रहा है यार, तू तो पूरा बदल गया है तू तो यार। अरे भाई आईटीआई जो किया उसका फायदा तो मुझे मिलना ही चाहिए था, मेरी जॉब लग गई। आईटीआई करनी चाहिए थी। हाँ यार गलती हो। हाँ 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 थोड़ी सी गलती हो। चल भाई ठीक है, और मिलते हैं। बाय बाय भाई बाय। सुनते हैं जी, प्रकाश बाबू अपने बिटिया की शादी तो रवि से कर रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। एकदम सही कर रहे हैं, लड़का विनय बाबू का काबिल है तो शादी आपके बेटे से थोड़े करेंगे। पहले तो हमारे दरवाजे दौड़ते थे, अब समझ गए हैं कि आपका बेटा काबिल है, इसी के वजह से नहीं आ रहे। जाओ पानी लाओ, दिमाग मत खराब। ठीक है जा रही हूँ। कितना लेट हो गया। अरे अरे सुनती हो? अरे आजा आजा मेरे लाल, आजा बेटा। आजा 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 मेरे लाल, आजा। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आओ आओ तुम लोग, देखो बेटा और बहू आए हैं। देखो अरे आजा। अरे इधर आ जाओ।